बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आपको पता है कि सेकंड ईयर और टेंथ क्लास के पेपर्स जो हैं वो करीब हैं, और मैं आपको काफ़ी मंथ से ये कहता आ रहा हूँ कि पेपर्स लाजमी होंगे, इस बार प्रमोशन के कोई चांसेस नहीं हैं। और मैंने आपको कहा था कि तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो अपनी तैयारी जारी रखें। मैं जब भी वीडियो बनाता था और आज भी मैं ये कहूँगा कि अपनी तैयारी जो है वो मुस्तकिल मिजाजी से कॉन्सिस्टेंटली जारी रखें, क्योंकि पेपर्स जो हैं वो होने ही हैं। तो ये सोचकर कि शायद प्रमोशन हो जाएगी, अपनी तैयारी जो पहले भी की हुई है वो भी ज़ाया ना करें। इसी तरह से अब आपको पता है कि अभी तक की जो फाइनल डेट आई है सेकंड ईयर की, सेकंड ईयर के पेपर्स की, वो है 26 जून, और उसके बाद टेंथ क्लास के पेपर्स होने हैं, यानी समझ लें कि एक डेढ़ महीना रह गया है आप लोगों के पास। तो आज मैं आपको एक ऐसी डेट शीट दिखाऊंगा जो कि सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है, उसके हवाले से मैं बात करूंगा कि वो फेक है या रियल है, क्योंकि आपको पता है कि डेट शीट आप तक पहुँच गई होगी। जिन्होंने नहीं देखी उनको भी मैं दिखा देता हूँ इस वीडियो के लास्ट पर। तो उसके हवाले से बात करेंगे कि वो फेक है या रियल है, क्योंकि ऐसी डेट शीट्स पहले भी आती रही हैं, ठीक है ना, तो आपने वो भी देखी हुई है, लेकिन वो बाद में चेंज हो जाती है। लेकिन एक बात मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं कि डेट शीट जो बनाई जाती हैं, जो मैं आपको चैनल पे दिखाता रहा हूं पहले भी, वो पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन की तरफ से बनाई जाती है। यानी जो तमाम बोर्ड्स के चेयरमैन हैं उनकी कमेटी है, वो जब बैठते हैं, वो जब मीटिंग करते हैं, उसके ऊपर एक फाइनल डेट शीट, वो एक टेंटेटिव डेट शीट बनाते हैं, यानी एक आरजी डेट शीट बनाते हैं, और हायर अथॉरिटीज़ जो हैं वो उसको फिर अप्रूव करती हैं, उसके अंदर थोड़ा सा रद्दबदल करती हैं। ऐसा हमेशा होता है, ये साल नहीं हो रहा। हमेशा जब भी डेट शीट बनती है तो एक टेंटेटिव डेट शीट आती है, उसको हायर अथॉरिटीज़ चेक करती हैं, अगर तो उसको फाइनल करना है तो फाइनलाइज करती हैं, वरना वो फिर हो सकता है कि चेंज हो जाए। तो इस साल चूंकि सिचुएशन ज़रा डिफरेंट है, और वो हेल्थ मिनिस्टर से भी रबते में रहते हैं कि कोविड की सिचुएशन को देखते रहें, उसके लिहाज से वो डेट शीट को फाइनल करते हैं या नहीं करते। अभी तक की जो फाइनल डेट शीट आई है सोशल मीडिया पे आपने देखी, मैं भी आपको दिखाता भी हूँ, जिसमें 26 जून से सेकंड ईयर के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि 12 जुलाई तकरीबन 15-16 दिन तक ये पेपर चलेंगे, 12 जुलाई को ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद 14 जुलाई को टेंथ क्लास के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि 5 अगस्त तक चल रहे हैं। ये डेट शीट जो है ये बिल्कुल टेंटेटिव डेट शीट है, ये फाइनल नहीं है, ये पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन की तरफ से बनाई गई है। मैं आपको एक नोटिफिकेशन भी इसका दिखा देता हूँ ताकि आपको इस बात पर यकीन आ जाए कि डेट शीट जो है ये फेक है या रियल है, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन का। इसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि देखें, इसका सब्जेक्ट पढ़ें ज़रा, टेंटेटिव डेट शीट्स फॉर द SSC 10th और HSSC 12th एनुअल एग्जामिनेशन 2021 फॉर ऑल द बाईस इन पंजाब। अब वो स्टूडेंट्स जो ये पूछते हैं कि ये डेट शीट किस बोर्ड के लिए है, तो ये पूरे पंजाब के अंदर जितने भी बोर्ड्स आते हैं उन सब के लिए ये डेट शीट्स हैं, उन सब के ऊपर ये डेट शीट लागू होगी, उन सब के एग्जाम्स इसी स्केड्यूल के मुताबिक लिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी तक ये डेट शीट फाइनल नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको फाइनल समझते हैं तो ये गलत है, ये अभी तक फाइनल नहीं हो सकता है, यही फाइनल हो जाए, हो सकता है इसके अंदर थोड़ा सा रद्दोबदल हो जाए, कोई डे चेंज हो जाए, या पेपर आगे पीछे हो जाए, कोई छुट्टी हो जाए। अभी तक की यही फाइनल है, अभी तक की, आज की डेट तक की यही फाइनल डेट शीट है, अभी कोई न्यू न्यूज़ इसके ऊपर नहीं आई। तो ये जो नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखाया, ये इसलिए मैंने आपको दिखाया ताकि ये क्लियर हो जाए कि जो डेट शीट है ये टेंटेटिव है, और बनाई वाकई पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन की तरफ से, ये किसी एक शख्स ने बनाई नहीं है जो कि इंडिविजुअल है, ये पंजाब बोर्ड कमेटी ऑफ चेयरमैन की तरफ से बनाई गई, और ये एक टेंटेटिव डेट शीट है। अब डेट शीट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, आप उसको भी ज़रा चेक कर लें। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले सेकंड ईयर के पेपर्स होने हैं, तो आप देखें ज़रा सेकंड ईयर की डेट शीट जो आई है, वो पेपर स्टार्ट हो रहे हैं 26 तारीख से, 26 जून से, और फिर वो चल रहे हैं 12 जुलाई तक। और इसके अंदर आप डेट शीट नोट कर लें, चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि कौन सा पेपर किस डे और किस डेट पर है, ये आपको नज़र आ रहा है, और ऊपर इंस्ट्रक्शन भी लिखी हुई हैं पेपर के हवाले से। हर साल की यही इंस्ट्रक्शन होती हैं, लेकिन इस साल जो इंस्ट्रक्शन हैं वो थोड़ी सी चेंज हैं कोविड की वजह से, जैसे सैनिटाइज़र और फेस मास्क वगैरह की इंस्ट्रक्शन है, जो मैंने आपको पीछे भी एक वीडियो में बता दी थी। इसी तरह से अगर आप टेंथ क्लास की डेट शीट देखें तो उसमें 14 जुलाई को पहला पेपर स्टार्ट हो रहा है, और 5 अगस्त तक ये पेपर आपके चल रहे हैं। तो फर्स्ट पेपर अगर देखा जाए साइंस सब्जेक्ट्स वालों का, तो इंग्लिश का है, और लास्ट जो है वो पाकिस्तान स्टडीज़ का है। तो इस तरह से ये दो डेट शीट जो हैं वो भी आएंगी। उम्मीद है कि अब ये बात क्लियर हो गई होगी। डेट शीट जैसे ही फाइनल आएगी आप लोगों को मैं बता दूंगा, और वैसे भी आप लोगों के जो स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं उनकी तरफ से आपको बता दी जाएगी। मेरा यही मशवरा है आपको कि आप बगैर इस चीज़ की परेशानी लिए आप अपने पेपर्स की तैयारी करें। किसी भी टाइम पे अचानक से वो डेट शीट जो है वो फाइनलाइज हो के वो आप तक पहुँच सकती है, तो आपको इसके लिए पहले से प्रिपेयर रहना होगा,
ठीक है। तो अल्लाह ताला आप सबको हामी नासिर हो, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।